अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सिराज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज सीविंग मशीन। जी आज हम आपको दिखाएंगे ब्रदर की मशीन है, ब्रदर समेंसा, ठीक है। ब्रदर कंप्यूटर समेंसा इसका मॉडल होता है। इसमें तकरीबन होते 400 किस्म के फंक्शन होते हैं। इस मशीन में टच स्क्रीन होती है जी, सारा कुछ इसका टच सिस्टम है। बाकी बहुत खूबसूरत प्यारे डिजाइन होते हैं इसमें, सीधी सिलाई, टीको, काज, ओवरलॉक, टांके तो हर मशीन में होती है। इसमें मजे की बात है कि इसमें आप कार्टून बनवा सकते हो, ABC नाम वगैरह लिख सकते हो और फूलों पांचों के डिजाइन इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मशीन का पावर ऑन ऑफ का बटन लगा होता है, जिससे हम एक मशीन के लिए होती है, एक लाइट के लिए होती है। एक से मशीन ऑन ऑफ होती है, एक से लाइट ऑन ऑफ होती है, ठीक है। मशीन जैसी स्टार्ट हो जाती है, खुद ब खुद सीधी सिलाई पे मशीन ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी फिरकी भरने का तरीका आपको बताएंगे, फिरकी कैसे भरती है। आपने फिरकी लगा के या धागा घुमा के यहाँ से यहाँ तक लाना है, थोड़ा सा इसको इस साइड पे करके अब मशीन स्टार्ट होती है। यहाँ से मशीन की फिरकी अब भरेगी, सिर्फ मशीन नहीं चलेगा, फिरकी भरने का तरीका ये तरीका होता है इसका, ठीक है जी। ये फिरकी भरने के बाद फिरकी लगाते कैसे है वो हम आपको दिखाएंगे। ये एक छोटा सा ढक्कन होता है इसका, इसको पुश करके ये खुल गई, ठीक है जी। इसके बाद ये आपने फिरकी निकाल लेनी, इससे फिरकी लगाने का तरीका जरूरी है वो आपने सीख लेना है। देखो फिरकी लग गई है यहाँ पे, उसके बाद ये एरो का निशान दिया होता है, ठीक है। एरो के निशान से धागा लेकर यहाँ तक लाना है, यहाँ पे एक ब्लेड लगी होती है, खुद ब खुद काट देते हैं धागा, ठीक है। 100 धागा कट गया अब यहाँ से। फिरकी लगाने के बाद धागा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लाना है। उसके बाद आपने मशीन का ढक्कन बंद कर लेना है। अब इसमें धागा डालना सिखाते हैं आपको। जब भी मशीन में धागा डालो, मशीन का पैर और मशीन की सुई यहाँ तक हो कि मशीन के दोनों चीजें ऊपर हो, ये नीचे ना हो। सबसे पहले एक नंबर में धागा गया जी। अब ये दो नंबर में एरो का निशान नीचे आया। अब ये 3 नंबर से घुमा के वापस ऊपर चला जाता है। 4 नंबर में एक हुक होता है मशीन का, यहाँ से घुमा के इस तरह निशान दिया हुआ घुमा के। अब नीचे आपने धागा लेकर आकर ये 5वें नंबर और 6ठे नंबर पे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप सीधी सिंपल अपनी नजरों के से भी सामने से ये धागा डाल सकते हो। ऑटोमेटिक धागा डालने का तरीका ये है कि अगर आपने ऑटोमेटिक नज़र कमज़ोर हो तो आप इससे ऑटोमेटिकली धागा डाल सकते हो। सबसे पहले इसको बिल्कुल आपने फुल प्रेस कर लेना है। फुल प्रेस करने के बाद फुल प्रेस, उसके बाद ये धागा लाओ, पहले इस कुंडे में डाल दो, इस कुंडे वाले। उसके बाद ये 4 कुंडियाँ होती है, इसके बीच में धागा देकर देखो धागा फंस गया, फिर बताता हूँ। ये देख मैंने निकाल के दोबारा ये सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया, ये 4 कुंडियों के बीच में धागा देकर उधर एक और छोटा सा कुंडा होता है वो धागे को पकड़ लेता है। अब कुंडा और धागा दोनों एक साथ छोड़ देने हैं आपने, ठीक है जी। ये धागा पीछे से गया, आपने आराम से धागा खींच लिया। अब ये सुई के ये निशान दिया हुआ है नीचे का धागा ऊपर लाने के लिए, ठीक है जी। नीचे का धागा भी ऊपर आ गया। जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे पहले सीधी सिलाई पे मशीन खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। मशीन जैसे आप मशीन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले सीधी सिलाई पे ऑटोमेटिकली सेट होती है। मशीन स्टार्ट करने का बटन है, मशीन स्टार्ट भी यहाँ से होती है, मशीन बंद भी यहाँ से होती है, ठीक है जी। ये रिवर्स करने का बटन होता है एक टांका पीछे लेने के लिए, ये सुई नीचे ऊपर करने के लिए, ये कैंची होती है धागा काटने के लिए। आपको कैंची की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली धागा खुद ब खुद कट जाता है। अब इसमें कोई से भी डिजाइन आप सेलेक्ट करते, ये पीको का टांका, जिगजैग का टांका मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मशीन स्टार्ट होती है। इस पर पीको भी हो सकती है, इसको जिगजैग का टांका बोलते हैं, पीको हो जाती है, ठीक है। पीको का टांका है, बाकी पीको करने के लिए इसके साथ अपना पैर होते हैं, वो फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि पीको किस तरह होती है, ठीक है जी। इससे जिगजैग का टांका हो गया। अब इसके बाद हम इसके करना है ओवरलॉक का टांका, ठीक है जी। ओवरलॉक का टांका हमने सेलेक्ट कर दिया। ओवरलॉक जैसे कि एक किनारे पे होता है, बहुत ही खामोश मशीन होती है, बहुत ही प्यारी मशीन, चलाते हैं बिल्कुल एहसास ही नहीं होगा कि मशीन चल रही है, बिल्कुल इसकी आवाज़ नहीं होती। इसका ओवरलॉक का टैंकर,
इसके बाद अगर आप काज बनवाना चाहते हैं, इस पे काज बहुत मजे का बनेगा। काज का टांका भी इसमें है, लेकिन काज के लिए बाद में हम उसका पैर लगा के आपको वो भी दिखाएंगे। बाकी ये ऑप्शन होते हैं एक ये दो, इससे आगे पीछे टांके और भी इसके आते हैं। अभी किसी दूसरा किस्म का ओवरलॉक करने पे ये भी ओवरलॉक का टांक है, लेकिन ये अलग स्टाइल का है, दूसरा अलग स्टाइल का है। ये ओवरलॉक का टांक है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर आप में इससे कोई भी डिजाइन आपने नहीं सेलेक्ट करना, तो ये तीन बटन कंपनी ने दिए हुए। इस बटन से मैनुअल टांके आते, जिस तरह टांके सारे अभी बना रहे थे, ये मैनुअल टांके होते, ठीक है जी। पीको भी है, काज भी है, ओवरलॉक भी है, पाइपिंग भी है, जिप भी, हर चीज हर टांका इसी में होते हैं। उसके बाद ये दूसरा बटन होता है, इसके साथ ये मशीन की एबीसी आती है। एबीसी मतलब एबीसी में छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी, वो इसमें आते, ठीक है जी। इसमें नंबर होते हैं एबीसी, एक दो तीन के नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, नंबर भी आप लिख सकते हैं इस पे। इसके बाद ये लास्ट वाला बटन होता है, इसमें ये मेन्यू आ जाती है, एक दो तीन चार पांच, ये पांच खाने आ गए, ठीक है। इस हर खाने में अपने अपने डिजाइन होते हैं। अब ये वाला खाना मैंने खोल दिया, ठीक है जी। इस पे ये चार डिजाइन मैं फ्रंट पे आ गए। अब इसमें चार में से कोई मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं ये ऊपर वाले दो बटन इससे मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, मुझे क्या चीज बनानी है, ये गाड़ी बनवानी है, तो ये मैंने सेलेक्ट करके ये ऊपर चली गई, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गई। अब सर मैंने यहाँ से मशीन स्टार्ट कर लेनी है। डिजाइन बन के खुद ही ऑटोमेटिकली रुक जाती है। अगर आपने कपड़ा निकलवा रहे हैं, तो आप कैंची का बटन दबा के कपड़े को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर ये भी नहीं बनवाने, वापस बैक करने के लिए बटन है। अब ये वाला खाना खोलना है, ठीक है जी। ये खाने में ये डिजाइन है, इसमें से कोई सा डिजाइन ये मुझे पसंद आ गया, ये मैंने सेलेक्ट करके ऊपर सेलेक्ट कर दिया मशीन डागा। मशीन स्टार्ट कर दी मैंने, ये भी डिजाइन बन गया, ठीक है। इसके बाद ये डिजाइन सेलेक्ट करके मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, मशीन स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपने फिर इसकी इसके टूल्स होते हैं मुख्तलिफ, पीको का पैर, ओवरलॉक का, काज का, पाइपिंग का, जिप का, हर चीज का अपना अपना पैर है। इसलिए ये काज बना के दिखाते हैं, इसको काज का तरीका ये पैर है। आसान सा तरीका ये कि अपने पीछे से दबा के ये कुंडे को ये पैर उतर गया, ठीक है। आप कोई सा भी इनमें से कोई सा भी पर्जा लेकर आकर इसी तरीके से आप दोबारा लगा सकते हो। ये मैंने लगा दिया, ये काज का साइज होगा, इतना छोटा बड़ा आपने करना है। दूसरा ये कि काज के लिए आपने ये वाला कुंडा नीचे कर लेना है, ये मेन कुंडा होता है काज, इस पे काज दिया हुआ है।
आवाज जूम लगा मोटर तक जाए मोटर लगे उसे थोड़े दिशे लगे Thank you.